ओके, क्विक ब्लॉक जब आपने लिख दिया है तो इसको प्रेस एंटर कर दो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखो सी डी क्यू यू आई से क्विक ब्लॉग, तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा क्विक ब्लॉग। आ गया सर, जो मैंने वो एंटर दबाया ना, एमकेडी आया, क्विक ब्लॉग में डायरेक्टरी आ गई है, सी यूजर होम जो भी इसने बताया। नहीं, सीडी क्विक ब्लॉग आगे लिखना है। लिख दिया मैंने, तो क्विक ब्लॉग लिखा हुआ नजर आ गया? नो सर, अभी मैंने एंटर नहीं किया। एंटर करो। यस सर, आ गया लिखा वो। बस ठीक हो गया। अब इसके अंदर अब आपने ये करना है कि ऊपर फाइल के ऑप्शन में आओ जी, यहाँ पे आ रहा होगा सेव वर्क स्पेस एज। यस सर, आ रहा है। इसको क्लिक कर दो। फाइल नेम मांग रहा है ये फाइल नेम, हाँ इसको अब यहाँ पे कर दो ब्लॉग, BLOG ब्लॉग, blog.code-workspace। सर वो सेव एज टाइप नीचे आ रहा है, फाइल नेम लिख दूं बस मैं? हाँ फाइल नेम लिख दो और सेव कर दो। जस्ट ब्रिन ब्लॉग लिखा है नीचे, हाँ सेव ठीक एज टाइप आ रहा है, कोड वर्कस्पेस कोड वगैरह जो भी है। ठीक है ठीक है, बस हाँ ठीक है ठीक है, डन हो गया, सेव कर दो। यस सर, हो गया, कर दिया। अब यहाँ पे देखो नीचे कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है कहाँ पे? नीचे? नो सर, 00 ही आ रहा है, अभी हो रहा है, मैं कहा सेव हो रहा है। अच्छा ठीक है, जब ये सेव हो जाएगा ना, प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ना कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा सारा, ठीक है, कनेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। खैर अब ये देखो यहाँ पे आपने ये करना है जेंगो डैश एडमिन, स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे जो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है ना, वो आएगा इसका वेब BLOG ब्लॉग, वेब ब्लॉग। और प्रेस एंटर कर दो। एक मिनट सर, कोई अभी कनेक्टेड लिखा हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, वो आ जाएगा बाद में, वो कोई इशू नहीं है उसका, क्योंकि अगर ऐसा नहीं आता तो हम कनेक्ट बाद में बना लेंगे। हो गया सर, वो क्विक ब्लॉग के आगे लिखते ना, जहां लिखा वो आ रहा था। हाँ ये देखो वहां पे लिखना है जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट वेब ब्लॉग। सर स्मॉल में लिखूं ना सारा? हाँ स्मॉल में ही होगा। सर कोई रेड वाला कोई दे रहा है, मैंने क्या आया, एंटर किया है मैंने इसको तो बाद में। क्या आया? डिजेंगो एडमिन टर्म, डिजेंगो एडमिन नॉट रिकॉग्नाइज एज द नेम ऑफ द, ये नॉट रिकॉग्नाइज आ रहा है। अच्छा ये आपके पाइथन पे तो नहीं ओपन होता ऐसे जेंगो एडमिन वाला? नहीं ठीक है, फिर एक ही काम करते हैं कि इसको इधर से क्लोज करो, इसकी वर्कस्पेस वहां पे ऐड कर लेते हैं। तो पाइचाम पे आ जाओ, पाइचाम ओपन है ना? जी सर, पाइचाम ओपन। ठीक है यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे आओ, यहाँ से प्योर पाइथन पे आने के बाद यहाँ पे इसको ऐड करो ब्लॉग, यहाँ पे ब्लॉग कर देना खाली।
यस सर कर दिया। ठीक है और इसको क्रिएट कर दो। क्रिएट हो गया। हो रहा है सर सही हमारा, ये इस कोड क्यों नहीं चल रहा सही? अब उसकी रीज़न ये है ना कि फिजिकल लैपटॉप मेरे सामने हो तो मैं आपको इसमें ऑथेंटिकेशन इसकी ऐड कर दूँ। इसकी ऑथेंटिकेशन ऐड करनी पड़ती है, सिलेक्शन से जाके हर चीज़ को एक एक बारी। विंडोज़ के अंदर ये एक प्रॉब्लम होती है कि ना इसमें ऑथेंटिकेशन विंडोज़ नहीं देता, क्योंकि विंडो एक प्रोग्रामेबल मशीन है जी, तो वो परमिशंस नहीं देता। मैकिंटोश प्रोग्रामेबल तो है लेकिन ये परमिशन सारी देता है, क्योंकि इसको इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको ये पता है कि प्रोग्रामिंग इस पे सिर्फ वही करेगा, क्योंकि जाहिर बात है एक बंदा 2.5 लाख की मशीन खरीदता है तो उसको वो सारी सपोर्ट दे रहे होते हैं। वो विंडो इस वजह से नहीं देती कि वो क्रैक भी हो जाती है और उसके वर्जन भी अवेलेबल होते हैं, वो विंडो फिर कोई परमिशन नहीं देती है, वो फिर परमिशन लिखनी पड़ती है। ब्लॉक क्रिएट हो गया। हेलो, अगर तो ब्लॉक क्रिएट हो गया है तो फिर टर्मिनल पे आ जाओ। ठीक है, हो रहा है, ठीक हो गया। जी सर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आके ना आपने ये करना है Django dash admin start project और यहाँ पे आएगा web log और press enter कर देना। तो आपके पास यहाँ पे web log एक बन गया होगा। बन गया। तो यहाँ भी वही आ रहा है, Django is not recognized। ओके, मतलब फिर वही बन गया है। अच्छा, यहाँ पे देखो आपके पास ना ऊपर ये सेटिंग का ये बटन आ रहा होगा। जी सर आ रहा। इसको क्लिक करो। कर दिया। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएंगे अभी आपके पास। इधर नीचे आओ, ये प्रोजेक्ट लिखा हो रहा होगा, प्रोजेक्ट ब्लॉग आ रहा होगा। आ गया? नहीं मेरे को नहीं आ रहा। ये देखो नीचे प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा होगा इधर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी शेस। मंजर ये आ रहा है प्रोजेक्ट लिखा हुआ? एक मिनट सर। यस सर आ रहा है। इसको क्लिक करो तो यहाँ पे प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर आ रहा होगा। जी आ रहा है। ठीक है, इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपके ना प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर शो हो रहा होगा। जी सर हो रहा है। यहाँ पे देखो Django शो हो रहा? नो सर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाले में से किसी एक को क्लिक करो। यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं आपके पास ऑप्शन में? सर या इसमें हो रहा है, ये जो मैंने अब किया इसमें Django शो हो रहा है। उसको क्लिक करके
अप्लाई करके ओके कर दो। तो यहाँ पे ना आपको वो डिस्कवरिंग और इंडेक्सिंग होता हुआ नजर आ रहा होगा। यस सर, हो रही है। हाँ, वो जैसे कंप्लीट होती है ना आप अपने पाइथन को रीस्टार्ट कर लेना, वो कंप्लीट हो जाए तब। ओके, क्योंकि ये और दूसरा इसके साथ आपने ये बनाना होगा यूजर, क्योंकि हम यूजर और एक आएगा ब्लॉग, इसमें एक इसमें आएगा जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट ऐप यूजर और एक आएगा जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट ऐप। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ब्लॉग। जैसे हम पहले बनाते थे, पहले हम इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाते थे, अब हम प्रोजेक्ट के अंदर कुछ नहीं किया करेंगे, अब हम बाहर ही सारे यूजर्स जो है वो क्रिएट करेंगे, बाहर ही सारी फाइल्स वगैरह इसको ऐड अप करेंगे। और जब ये बन जाए तो इस दो फोल्डर को उठा के आपने इस वेब के फोल्डर के अंदर ले आना है, वेब ब्लॉग के अंदर। ये अपने आप को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा इजीली, ब्लॉग से वेब ब्लॉग के अंदर हमारे पास सारे फोल्डर्स शिफ्ट हो जाएंगे प्रॉपर। सर आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम ब्लॉगिंग बना रहे हैं, ब्लॉग 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 कैसे लिखते हैं और उसमें फाइलें अपलोड करनी है। क्या आपकी वेबसाइट पे जो फाइल्स वगैरह अपलोड होती हैं वो कैसे होंगी? ठीक है, जैसे मीडिया फाइल्स होती हैं या फाइल्स होती हैं। अब जैसे ये बन गया, अब यूजर के अंदर हमने यूजर मॉडल और यूजर फॉर्म बनाने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी जो मीडिया फाइल है, कोई भी इसमें एक्सटेंशन हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। सो सर वो वेब ब्लॉग क्रिएट हो गया। हो गया क्रिएट? जी सर। ठीक है, अब वहां पे सीडी लिख के वेब ब्लॉग, हाँ सीडी लिख के ना, सीडी लिख के वेब ब्लॉग लिख के उसके अंदर आ जाओ। सीडी लिख के वेब ब्लॉग लिख के उसके अंदर आ जाओ। आ गए? यस सर आ गए। अब आपने ये काम करना है कि यहाँ पे जेंगो स्टार्ट जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट ऐप यूजर एक करनी है, और इसी तरह ये करना है जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट ऐप ब्लॉग करना। प्रेस एंटर कर देना यूजर करके, और फिर दूसरा बनाना ब्लॉग। तो ये यूजर पे एरर दे रहा है, कमांड एरर। क्या एरर क्या आ रहा है? कमांड एरर, यूजर कॉन्फ्लिक्ट्स विद द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग पाइथन मॉड्यूल एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन ऐप नेम, प्लीज ट्राई अनदर नेम। मेरे पास तो हो गया। ओके, अच्छा यूजर की बजाय ना यहाँ पे इसको आप कर दो यूजर्स ही कर दो, एस डाल दो आगे। ओके, हो गया? हो गया, ठीक हो गया। और अब सर क्या लिखना है? दूसरा ब्लॉग बनाना है, इसी तरह ही बनाओगे जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट ऐप ब्लॉग, BLOG ब्लॉग। हो गया सर। ठीक हो गया, अब हम ब्लॉग के अंदर आएंगे। ऊपर जाके सर जी? हाँ ऊपर ब्लॉग को क्लिक करो। यस सर, गया। ठीक है, अब ब्लॉग के अंदर हमने काम करना है। ब्लॉग में हमने एक्चुअली जो ब्लॉग प्रिंट करवाना होता है ना, मतलब जो यूजर को शो करवाना है, वो ब्लॉग लिखेंगे। सर वेब ब्लॉग के अंदर एक ब्लॉग आ रहा है, उसमें जाना है? हाँ वेब ब्लॉग में जो ब्लॉग आ रहा है हमने उसमें जाना है। ठीक है सर। ठीक हो गया, आ गए उसमें? जी सर। इसके models.py में आओ। जी सर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ इसके अंदर हमने बस छोटा सा कोड लिखना है,
वैसे जैसे हम पहले बड़े बड़े कोड लिखते थे, बड़े बड़े कोड नहीं है अब, सारे टोटल छोटे कोड है। तो होपफुली कि हम ये पूरे घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरे वेब ब्लॉग को। तो इसमें आएगा सर मेरा प्रोफेशनल पहचान ऑन हो गया। हो गया आपका जी शायद सब। इसके अंदर ना क्रिएट अ प्रोजेक्ट आ रहा होगा, क्रिएट प्रोजेक्ट उसको क्रिएट करो। जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया ना, तो वहाँ पे जेंगो, वहाँ पे ना साइड पे ऑप्शन आ रही होगी जेंगो की, वो डायरेक्ट जेंगो की ये सारी एप्लीकेशन खुद बहुत ही ओपन कर देगा। एक प्योर पाइथन की आ रही है, जेंगो की आ रही है, फ्लेक्स आ रही है, और इस तरह नीचे काफी आ रही है। जेंगो पे करना है, जेंगो पे क्रिएट करो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नाम क्या रखो सर? वेब ब्लॉग। वेब ब्लॉग? हाँ वेब ब्लॉग। सर डबल भी आएगा? हाँ डबल भी आएगा। सर वो जो नीचे चेक मार्क करना है इनहेरिट ग्लोबल साइट और मेक अवेलेबल टू ऑल प्रोजेक्ट। हाँ वो करना है, वो करना है। ठीक है सर, और तो नहीं कुछ करना? क्रिएट कर लो। हाँ वो क्रिएट कर दो। हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्ट कर लिया, मैंने अपने मॉडल्स ऑथेंटिकेशन इंपोर्ट कर लिए। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ क्लास। अब क्लास मेरा जो ब्लॉग मैंने पोस्ट करना है वो आ जाएगा। मैंने अपने जो ब्लॉग को पोस्ट करना है वो, उसकी इंफॉर्मेशन और उस सारे ब्लॉग की जो इंफॉर्मेशन। अरे यार जहां पे हमने इंपोर्ट यूजर लिखा है मैं ऐसे लिखूंगा ना? नहीं 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 यूजर ही आएगा यहाँ पे, यूजर ही आएगा यहाँ पे, एस नहीं आएगा, यूजर ही आएगा। इसका इससे कोई लिंक नहीं है, इसका इससे कोई लिंक नहीं है। ठीक है ठीक। सो यहाँ पे जस्ट मेरे पास आएगा टाइटल विच इज इक्वल्स टू, सर ये देखेंगे ना सामने एक एरर जनरेट हुआ है। व्हाट्सएप किया जी? मैं कह रहा हूँ बस देखो। मॉडल्स डॉट करेक्टर फील्ड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे करेक्टर फील्ड आता है और इसकी मैक्सिमम लेंथ आ जाएगी। सो ये इंपोर्ट ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जैसे अभी आपके पास एरर जनरेट हो रहा था ना उसमें जी सर, तो वो एरर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से जनरेट नहीं होगा। अब यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे, हमने फाइल अपलोड करनी है। तो फाइल इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट, अब अपलोडिंग की जो एक्सटेंशन होती है ना वो आएगी फाइल फील्ड। हमने कहाँ से फाइल उठानी है तो हमें ये तो अभी आइडिया नहीं होगा, तो नल हमारे पास आ जाएगा ट्रू, क्योंकि हमें आइडिया नहीं कि फाइल कहाँ से उठानी है। दूसरा ब्लैंक, इसको ट्रू कर देंगे, बंदा अगर फाइल रखना चाहता है ब्लैंक तो वो भी ट्रू हो जाए। और अपलोड टू, अपलोड टू इसको हम फॉल्स, इसको हम फाइल कर देंगे, इसमें फाइल्स आ जाएंगी, जो भी फाइल्स उसने अपलोड करनी होगी वहाँ पे ये मैसेज हो रहा होगा। मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया कि फाइल्स हैं वो यहाँ पे अपलोड कर दो। ओके ठीक है, इससे वो खैर है, ओके है, इससे ओके करते हैं। अब यहाँ पे हमने फाइल्स अपलोड करने के लिए उसको टेक्स्ट दे दिया ना, अब कंटेंट जो उसमें अपलोड करना है, कंटेंट इज इक्वल्स टू, ये चीजें हमने पहले इस वजह से नहीं की क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़नी थी, अब उसी वक्त ही कर रहे हैं। और यहाँ पे आ जाएगी टेक्स्ट फील्ड। अब यहाँ पे अगर किसी ने कोई चीज पोस्ट किया ब्लॉग में तो उसकी डेट अंडरस्कोर पोस्टेड, उसने कब उस ब्लॉग को या किसी भी चीज को पोस्ट किया था, तो मॉडल्स आ जाएगा डॉट आएगा, डेट टाइम फील्ड आ जाएगी जिसमें हम ये उसको बताएंगे कि आपका जो टाइम है वो डिफॉल्ट टाइम जोन से कनेक्टेड है, डिफॉल्ट। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास टाइम जोन जो मैंने ऊपर लिया है, टाइम जोन डॉट नाउ, जो भी टाइम अभी आ रहा होगा वो उससे उसको कनेक्ट कर लेगा। उसके बाद वो चलिए देख, मैंने साइन किया। हाँ ठीक है, ये तो रिफ्रैक्टर हो जाएगा, ये ठीक है।
अच्छा नाउ सर आगे वो कह रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट उसका नाम पाइचार्म प्रोजेक्ट पाइचार्म के प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर दो कुछ और रख दो वेब ब्लॉग की जगह कुछ और रख दे हां कुछ और रख दो सो यहां पे वो मॉडल्स आएंगे जो हम ऑथर जब ऑथर अपना चीज पब्लिश करेगा ये वो आ जाएगा तो मैं यहां पे ऑथर को दूंगा फॉरेन की क्योंकि ऑथर जो है वो सस्पिशियस होता है इसमें सो यहां पे उसकी फॉरेन की आएगी ये यूजर आ जाएगा ऊपर वाला यूजर है और अगर वो डिलीट करना चाहे on underscore delete is equals to तो हम उसको दे देंगे ठीक है तुम मॉडल्स कैस्कार्ड से उसको डिलीट कर सकते हो कैस्कार्ड से उसको डिलीट कर सकते हो फिर बाकी क्या करूं प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया तो उस पे अपनी फाइल्स वगैरह ऐड कर दो अगर क्रिएट हो गया तो प्रॉपर्ली मतलब वेब ब्लॉग तो हो गया बाकी ब्लॉग करूं स्टार्ट प्रोजेक्ट हां जैसे टर्मिनल पे करते हैं ना वैसे ही करते जाओ नाउ मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग को डिफाइन कर दूंगा सेल्फ आ गया एंड रिटर्न कर दूंगा सेल्फ डॉट टाइटल बस इसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना यहाँ पे मैं डिफाइन एक्सटेंशन कर दूंगा कि मेरी एक्सटेंशन क्या है और ये भी मेरी सेल्फ के साथ आ जाएगी एक्सटेंशन और मैं यहाँ पे नेम डॉट फाइल एक्सटेंशन इसका काम होगा stnsiun file extension which is equals to ये उठाएगा os के path से कि मेरी file extension कहाँ से आ रही है और बल्कि name dot करने की बजाय मैं यहाँ पे name comma कर देता हूँ that's much better extension मेरी path से उठाएगा और split text यहाँ पे आएगा self dot फाइल जो हमने ली थी डॉट नेम फाइल का नेम आ जाएगा एक्सटेंशन और उसकी फाइल का नेम और यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न एक्सटेंशन चलो नाउ द लास्ट कैसे करना था Django Dash Admin वो कह रहे हैं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा वो ये इंस्टॉल Django किया वो पता है क्या पीछे से ना उस पाइथन आपका जो सिस्टम है ना मैंने जैसे कहा था कि आपके यहाँ पे यूजर काफी ज्यादा बने हुए आ रहे हैं वो इस तरह Django का एडमिन नहीं उठाएगा जो आपके यूजर है ना पहले उनको उसमें से निकालना पड़ेगा यूजर एडमिन से उन सारे यूजर्स को निकालना पड़ेगा क्योंकि एक यूजर जो है वो एडमिन को कंट्रोल करता है एट द सेम टाइम अगर आपके दो या तीन एडमिन बने होते हैं तो वो एक एडमिन के ऊपर जो पाइथन के प्रोग्रामिंग है वो इस तरह नहीं चलती तो इसका ये है कि वो स्टिल वही एरर आ गया ना Django का जो एडमिन के साथ रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा जी आपने पाइथन इंस्टॉल किया है ना जी पाइथन वो लास्ट टाइम आपने क्या थे 3.8 आई थिंक सो हां 3.8 है वो एक्चुअली उसके एडमिन के साथ वो इस तरह नहीं चलेगा उसको रूट करना पड़ेगा सिस्टम को रूट पाथ के साथ सेट करना पड़ेगा क्योंकि आपके एडमिन के यूजर एक से दो हैं अगर आप किसी एक को डिलीट भी कर देते हो तब भी ये एरर वहीं का वहीं रहेगा इस वजह से आपके सिस्टम का रूट पाथ सेट करना पड़ेगा तो मैं एक्चुअली आपको एक लिंक देता हूँ उसको फॉलो करते जाओ वो आपको ना सिस्टम रूट पाथ जो है ना वो सेट करवा देगा ठीक है वो सेट करके बताओ अगर तो हो जाता ठीक है अगर नहीं होता ना तो फिर मुझे बताओ फिर मैं ना उसका रूट लिख दूंगा बल्कि फिर जैसे मैंने आपको मैसेज किया था ना जी जी वो फिर अनवार के पास चले जाना वो आपको रूट लिख देगा जैसे वो उधर ही होंगे आफ्टर टावर में वो उधर ही होगा ठीक है ये विंडोज 10 का ना एक्चुअली इशू होता है जब आपके पास ना बहुत ज्यादा वो आ रहा होता है ना यूजर्स बहुत ज्यादा बने होते हैं तो फिर ये पंगा चलता ही है इसके अंदर मैंने इसको बना के रखा हुआ था एक ट्यूटोरियल हाउ टू फिक्स दैट इशू तो अगर तो आपका उससे फिक्स हो जाता तो ठीक है अगर नहीं होता तो फिर मुझे बताना मैं अनवार को कह दूंगा अनवार फिर आपकी उसमें ना वहाँ पे हेल्प कर देगा ये वाला लिंक है इसमें यू विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम इजीली अगर तो मिल गया सॉल्यूशन तो ठीक है अदरवाइज फिर मैं मुझे बताना मैं इस पर कर दूंगा ठीक है इसको तसल्ली से देखो इसमें जो जो चीजें वो इंस्टॉल करता है ना वैसे वैसे इंस्टॉल करते जाना ठीक है सर ठीक है ओके सर अच्छा
तो मेरे पास यूजर एक्सटेंशंस ऐड हो चुकी हैं, यूजर एक्सटेंशंस आ गए, यूजर एक्सटेंशन को मैंने ऐड कर लिया इसमें। नाउ मेरा लास्ट काम गेट अंडरस्कोर एब्सोल्यूट यूआरएल। मैंने अपनी एब्सोल्यूट यूआरएल लेनी है बस, और मेरा इसका काम खत्म हो गया। रिटर्न हमने कर लिया, रिवर्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, पोस्ट, पोस्ट डैश डिटेल। यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा अ पॉइंटर कि मेरी वैल्यू को स्टोर करना है इसने। मेरी वैल्यू को स्टोर करने के लिए इसको पॉइंटर चाहिए, विच इज इक्वल्स टू, मैं इसको प्राइमरी की असाइन कर दूंगा। सो आई एम गोइंग टू असाइन द प्राइमरी की। इसकी प्राइमरी की आ गई, ये डबल ब्रैकेट की वजह से इशू कर रहा है। ओके, सो एक प्राइमरी की आ गई मेरे पास। इसके लिए प्राइमरी की के अंदर ब्रैकेट्स खराब हो गई, प्राइमरी की के साथ मैं कह दूंगा अगर इसको प्राइमरी की मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज सेल्फ डॉट प्राइमरी की कर दो मुझे, एंड मेरा काम क्लोज। ये मेरा एक मॉडल कंप्लीटली जो ब्लॉक पोस्टिंग के अंदर मुझे रिक्वायर्ड था वो कंप्लीट हो चुका। तो मैं टर्मिनल पे अपने आऊंगा, और यहाँ पे आके मैं ये देखूंगा कि मेरे पास ये वाला ओपन है, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, ओपन इन टर्मिनल करूंगा, एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन 3। जैसे मेरा पाइथन 3 चलेगा, आप सबका पाइथन चलेगा। तो py make migrations press enter। ओके, नो चेंजेस डिटेक्टेड। सो मेरा ये जो काम है वो इजीली हो चुका है विदाउट एनी हेजिटेशन। मेरी माइग्रेशंस जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब जो मुझे असल काम करना है इस माइग्रेशंस को कंप्लीट करने के बाद, बिफोर मैं इसको आगे प्रोसीड करूं, मैं अपनी सेटिंग्स में आऊंगा, और सेटिंग्स में आके इनको ऐड अप कर दूंगा अपने इस वेब ब्लॉक की सेटिंग्स में आके। सेटिंग्स में आके यहां पे आके इनको ऐड अप करके देन अगेन माइग्रेशन कर दूंगा। सो मेरा पहला आएगा ब्लॉग डॉट एप्स डॉट ब्लॉग कॉन्फिग, और मेरे पास दूसरा इसी तरह ऐड होगा यूजर डॉट एप्स डॉट यूजर्स कॉन्फिग। ये मेरे पास इस तरह ऐड अप हो गए, इसको कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे आके अगेन माइग्रेशन कर दी, मेक माइग्रेशंस। अब मेक माइग्रेशंस पे हमें यूजर्स कॉन्फिग के ऊपर एक एरर जनरेट होगा। यूजर्स कॉन्फिग के ऊपर हमें एक एरर जनरेट होगा, उसकी रीजन ये है कि जब हम अपने यूजर्स में आएंगे एप्स डॉट py में, तो यहाँ पे यूजर लिखा हुआ आ रहा होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन ने मेरा यहाँ पे यूजर क्रिएट किया है। तो मैं अगेन अपने इसमें आके इसको यहाँ पे यूजर ही करूँगा, इसको यहाँ पे यूजर ही करूँगा, कंट्रोल एस किया, माइग्रेशन किया, तो मेरा अब यहाँ पे एक नया मॉडल क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है मेरा पोस्ट। सो मेरा पोस्ट का मॉडल जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है, और अब मैं पोस्ट के मॉडल से बाकी सारे काम साथ-साथ चलाता जाऊँगा। मैं वापस अपने ब्लॉग में आऊँगा, यहाँ पे जो असल काम जो चीज ऐड अप करने वाली है वो ये है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब जो मेरे इसमें मॉडल और फॉर्म में काम हो चुका है, मैंने अपने व्यू में आना है, अपनी व्यू स्टेटमेंट लिखनी है, और व्यू स्टेटमेंट के साथ मैंने एक फॉर्म्स को अटैच करना है। सर मैं भी थोड़ा पीछे हूँ। अच्छा, तो आप कहाँ पे रह गए, मॉडल्स पे? यस सर, मॉडल्स पे ही हूँ, नीचे बस रिटर्न लिख रहा था मैं, एक्सटेंशन लिख रहा था। ठीक हो गया, ये लो एक्सटेंशन।
सर उसको हमने फॉरेन की होती है, की क्यों दी है? देखो जो आपका यूजर होता है ना, जैसे आप और मैं किसी चीज पे पब्लिश कर रहे हैं, तो आपके यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो सिक्योर रहनी चाहिए ना, ऐसे ही है, तो हम उसको प्राइमरी की के अंदर रख देते हैं। तो फॉरेन की एक्चुअली सपोर्ट करती है प्राइमरी की को, जी वो इस वजह से वहां पे रखा है ताकि यूजर की जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर है, जब तक यूजर खुद कोई चीज डिलीट नहीं करता वहां से, कोई भी चीज जो है वो डिलीट ना हो। तो सर ये हम कीज वगैरह ये डेटाबेस में नहीं देते हैं? एक्चुअली इसका डेटाबेस यहीं पे लिखे जाते हैं। अच्छा ये देखो ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना फ्रॉम जेंगो डॉट डेटाबेस इम्पोर्ट मॉडल्स, तो इसके डेटाबेस की हर चीज ऑलमोस्ट हम यहीं पे लिखते हैं। सही। KWARGS क्या है? ये आपके जो पाइथन में जो सिक्योरिटी की होती है ना वो किसी पॉइंटर टाइप में जाती है, तो ये जो KWARS है ये पॉइंटर पॉइंटर है। अच्छा, हमने यहाँ पे पॉइंटर टाइप को डिक्लेयर कर देते हैं ना, ताकि जो आपका एड्रेस है वो प्रॉपरली सिक्योर रहे और सेफ रहे। सही सही। पीके हमने पाकिस्तान को किया शो? नहीं नहीं नहीं, ये प्राइमरी की है, पीके प्राइमरी की है। ओके जैसा ये लिख लिया है, अब इसको क्या करना है? अच्छा, इसको अब आपने करना है कि सेटिंग्स में आओ सर, ब्लॉग की? नहीं नहीं नहीं, उसकी वेब ब्लॉग की, वेब ब्लॉग की जो मेन सेटिंग है ना उसमें आओ। यस सर, आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा होगा users.apps.users.conf, यूजर कॉन्फिग ये ऐड कर दो। ओके सर। और ब्लॉग वाला भी ऐड कर दे। ब्लॉग कॉन्फ़िग सही, ये कॉन्फ़िग फाइल्स होती है ना हमारी, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। ये जो फाइल्स हम यहाँ पे करते हैं ना models.py में सेटिंग्स को, ये बताते हैं कि हमारे मेन जो वेब है के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर दो। सही है, यूजर्स लिखा है, मैं भी यूजर्स ही लिखूं? आपका तो है ही यूजर्स, आपका तो है ही यूजर्स जी, देखा ठीक है, आपका तो यूजर्स ही है। यस सर, डन। ठीक है, अब यहाँ पे जाके ना आपने करना है पाइथन manage.py make migrations। Make migrations.
होस्ट का मॉडल बन गया सर, वो नो मॉड्यूल नेम्ड ब्लॉक कॉन्फिग का एरर दे रहा है। वो कैसे दे रहा है, एक मिनट, blog.apps.blog.config। इसके आगे देखो आपने कॉमा डाला है, दोनों के आगे, दोनों के आगे कॉमा है सर, एक के आगे कॉमा डाला हुआ था। हां वही ना, उसी वजह से आ रहा था। सर अभी भी वही आ रहा है, सेम एरर आ रहा है जी सर। एक काम करो मंजर, ये ना गूगल क्रोम पे आओ, यहाँ पे करो एनी डेस्क, एनी डेस्क, इसको डाउनलोड करो। मैं आपके ना ये जो एरर आते हैं ना, ये मैं खुद सॉल्व कर दिया करूँगा। यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड, इसको क्लिक करके ना एनी डेस्क को डाउनलोड करो, और यहाँ से विंडोज का अपना कोई भी इसको डाउनलोड करो, विंडोज के वर्जन को। ठीक है, ये इंस्टॉल करके मुझे बताओ। डाउनलोड नाउ कर दूं जो फ्रंट पे ही आएगा, विंडोज का आ रहा है। हाँ जी, वही वाला डाउनलोड नाउ कर दे। हो गया, हो गया सर। इसको इंस्टॉल करो, और फिर मुझे ना एक आपकी ये की रिक्वायर्ड होगी, आपके ना यहाँ पे साइड पे की लिखी हुई आ रही होगी, दिस डेस्क की आ रही होगी, वो मुझे की जरा साइन करना जब आपके पास ओपन हो जाता तो। ओके सर, एनी डेस्क पे ये शो हो रही होगी। हाँ यस सर, आ गया, ओपन होगी। ये मुझे की बताओ, ये की क्या लिखी हुई आ रही है आपके पास? 8 9 7 9 0 9 0 0 1 2 1 1 2 1। अच्छा मैं कनेक्ट करने लगा हूँ, मुझे परमिशन वहां से ग्रांट कर दो। एक्सेप्ट कर दूं ना सर? हाँ एक्सेप्ट कर दे। हो गया सर, आ गई, ठीक हो गया। मैं इसको ये देखो, यहाँ पे एप्स का एस मिस है, सर मैंने ये भी हटाया था। यहाँ पे यूजर्स के साथ स्पेस नहीं आएगी, और यहाँ पे एप्स डॉट इधर यूजर का यू कैपिटल, users.configure होगा मेरा वहाँ पे। यूजर इस वजह से आ रहा है कि मैंने मैकिंटोश पे उसको किसी और तरह ऐड किया था, तो यूजर आ रहा था। चलो ब्लॉग कॉन्फिग, इनका सी भी कैपिटल है। Cannot import the name user. User, अच्छा, model stop by में ये user का U जो है ये capital है। अच्छा ये user वो पता नहीं क्या capital आता है। ये देखो ना, ये user वो user नहीं है जो हमने बनाया था, ये user वो है जो हम Django से ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैंने जैसे start में भी कहा था, ये user ये वाला user नहीं है, ये user वो है जो हम database में रखने लगे हैं। ठीक है, अच्छा, मॉड्यूल हैज नो ऑब्जेक्ट ऑफ मॉडल, मॉडल मॉडल ये मॉडल का एम कैपिटल है।
अच्छा फाइल फील्ड, ये देखो फाइल फील्ड ये कुछ भी आएगा ना ये स्पेलिंग इनके कैपिटल होंगे। अच्छा ये देखो फाइल सर वही नीचे डिफॉल्ट दे रहा था ना, मैंने वही दिया था, एंटर कर दिया था मैंने उसको। हाँ लेकिन वो एकदम ना वो आपके स्पेलिंग जो है वो छोटे हो गए हैं। सही जैसे ये फॉरेन की आ रहा है, फॉरेन की भी इसका कैपिटल में है। नीचे आ रहा है। सही वैसे एनी डेस्क बड़ा अच्छा बना है। हाँ ये इन सारी चीजों के लिए सही है कि देखो ऐसा एरर आ रहा है। ये लो अब आपका मॉडल पॉज क्रिएट हो गया। ठीक है ठीक हो गया, ये क्रिएट हो गया अब जो जैसे मेरा क्रिएट हो गया था। इसको यहाँ से क्विट कर रहा हूँ। चलो वापस आते हैं हम इसके ऊपर। ठीक हो गया, क्रिएट हो गया था। चलो अब हम इसके आएंगे व्यू कंट्रोलर्स पे कि हमने व्यू कैसे लिखना है। इसके व्यू कंट्रोलर पे आएंगे और इसके व्यूज वगैरह को ऐड करेंगे कि इसके व्यूज में हम क्या क्या कुछ ऐड कर रहे हैं। सो फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इम्पोर्ट रेंडर। ब्लॉक के व्यूज में आएंगे। हाँ ब्लॉक के, हम ब्लॉक में ही हैं अभी, हम ब्लॉक से आगे नहीं आए। ठीक है सर, ये पोस्ट के बाद हमने कुछ मेक माइग्रेशन किया, दोबारा किया था? नहीं 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 नहीं, पोस्ट के बाद हमने कोई मेक माइग्रेशन नहीं किया। पोस्ट जब बन गई है ना, क्रिएट मॉडल पोस्ट बन गई है, तो अब व्यू का काम है। व्यू और यूआरएल्स को ऐड करना है और हमने उसको फ्रंट एंड पे ले जाना है टेम्पलेट बना के बस। रेंडर किया और यहाँ पे हमने इसको गेट ऑब्जेक्ट और एरर। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम इसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे एचटीटीपी की। HTTP जो हमारी वेबसाइट से लिंक होगी, हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे HTTP रिस्पांस को और यहाँ पे फिर मैं इसको लेके आऊंगा फ्रॉम जेंगो। इसको कंट्रीब्यूट किया डॉट, इसको अब ऑथेंटिकेट करेंगे AUTH ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट किससे हमने करना है? मैक्समिन से। इंपोर्ट यहाँ से मैं करूँगा लॉगिन रिक्वायर्ड। क्या मैंने लॉगिन एक पेज बनाना है क्योंकि यूजर का और यूजर पास टेस्ट कि अगर यूजर कोई अपने लॉगिन नहीं बना रहा तो उसको एज अ गेस्ट यूजर जो है उसमें लॉगिन कर दें। नाउ फ्रॉम जेंगो यहाँ पे मैं इसको कंट्रीब्यूट करूंगा और इसके मॉडल्स को ऑथेंटिकेट करूंगा। यहाँ पे मॉडल्स इम्पोर्ट यूजर, अब यहाँ पे यू इसका कैपिटल है यूजर का। अब मुझे क्या क्या इंपोर्ट करवाना है यहां से, मैं वो अब यहां पे लिखूंगा फ्रॉम जेंगो डॉट व्यूज। जेनेरिक व्यू मैं यहां पे लूंगा। अब जेनेरिक व्यू में जो मैंने चीजें इंपोर्ट करनी है वो मैं यहां पे अब अपनी सारी चीजें ऐड अप कर दूंगा जो चीजें मुझे इंपोर्ट करवानी है यहां से। मुझे क्या क्या इंपोर्ट करवाना है, मुझे पहले करवाना है लिस्ट व्यू इंपोर्ट करवाना है इसके साथ, मुझे इंपोर्ट करवाना है डिटेल व्यूज, मुझे इंपोर्ट करवाना है क्रिएट व्यू, मुझे इंपोर्ट करवाना है अपडेट व्यू और मुझे साथ इंपोर्ट करवाना है डिलीट व्यू। ये चीजें मुझे इंपोर्ट करवानी है इसके साथ कि मेरे पास क्या क्या चीजें ऐड अप होंगी और क्या क्या चीजें ऐड अप नहीं होंगी। सो मैंने ये डिलीट यहाँ तक ये व्यू जो है ये मैंने इम्पोर्ट करवा लिया यहाँ से। अब मेरा काम अब स्टार्ट होगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट पोस्ट, जो मैंने अपना एक मॉडल बनाया था उसको इंपोर्ट किया। नाउ इंपोर्ट ऑपरेटर कि मैंने अपनी चीजें अब ऑपरेटर से परफॉर्म करवानी है खुद ब खुद ही। मैं यहाँ पे वो फाइल्स इंपोर्ट करूंगा जो मुझे यूआरएल्स को सपोर्ट करेंगी डॉट यूआरएलएस इंपोर्ट रिवर्स लेजी। ये मेरा एक फंक्शनल वेरिएबल पैरामीटर है कि अगर आपका जो ब्लॉग है उस पर कोई भी यूजर कोई चीज पोस्ट नहीं कर रहा तो ये ऑटो कोई रैंडम इस पे आर्टिकल जो है वो पोस्ट होता जाएगा। ऑटो नहीं बल्कि हम ही पोस्ट करेंगे लेकिन वो ऑटोमेटिकली ना आगे नीचे ऊपर नीचे होता जाएगा यूजिंग द डेट।
Django, और यहाँ पे मैं इसके कंट्रीब्यूट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको स्टेटिफाइंग फाइल्स के ऊपर लेके जाऊंगा, इसके व्यूज क्रिएट करूंगा, व्यूज क्रिएट करने के बाद इंपोर्ट कर दूंगा सर्व को, जिसको हम सर्वर एंड कहते हैं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रॉम Django डॉट डेटाबेस डॉट मॉडल्स, डेटाबेस के मॉडल्स उठाऊंगा और इम्पोर्ट करूंगा क्यूरी, इम्पोर्ट क्यू, क्यू इज फॉर द क्यूरी, क्यू इज फॉर द क्यूरी, इसका शॉर्टकट भी होता है, ये शॉर्ट की भी है क्यू से, क्यूरी. अब मुझे क्यूरी कहां से फॉर्ड करनी है, मैंने डिफाइन किया होम, मुझे एक होम सर्च में चाहिए और यहां पे मैं इसको कर दूंगा रिक्वेस्ट, कि मुझे क्यूरी की कोई भी रिक्वेस्ट आती है जो होम पेज पे शो हो, तो मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है टीएक्सटी टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, वो कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास क्या चीज शो होनी चाहिए, कि मेरे पास पोस्ट पी ओ पी ओ एस टी एस, मेरे पास टोटल पोस्ट्स कितनी है और उस पोस्ट के अंदर मेरे पास क्या क्या चीजें शो हो रही हैं, वो भी ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, मेरे सारे जो पोस्ट हैं वो शो हो जाए. और मैं यहाँ पे करवा दूंगा रिटर्न रेंडर, और इसके अंदर मेरे पास चली जाएगी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, दैट इज आवर पार्ट, कि हमने रिक्वेस्ट कहाँ पे सेंड करनी है. यहाँ पे हम वो रिक्वेस्ट की पोस्ट ऐड कर देंगे कि कहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करनी है, और उसके अंदर जो भी चीज़ है कॉन्टेक्स्ट वो ऐड हो जाएगा. अब पॉइंट ये है कि ब्लॉक की पोस्ट जो है वो सेंड कहाँ पे होगी, द मेजर कंसर्न जो हमारा है ब्लॉक पोस्ट, वो कहाँ पे हमने इसको सेंड करना है. तो सिंपल इज दैट के मैं यहाँ पे एक चीज क्रिएट करूंगा, न्यू डायरेक्टरी PLADS templates / BLOG blog. मैं डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा टेम्पलेट्स / ब्लॉग की, नॉन प्रेस एंटर कर दूंगा. अब यहाँ पे मैं जस्ट एक फाइल ऐड कर दूंगा जो मुझे रिक्वायर्ड है, HTML, तो यहाँ पे आ जाएगी होम. इसको डिलीट करूंगा मैं, और यहाँ पे जो चीज ऐड करूंगा दैट मैटर्स, ये आ जाएगा एक्सटेंड्स, और ये एक्सटेंड कहाँ से हो रही है, ये होगी ब्लॉग बेस डॉट HTML, यहां से ये एक्सटेंड होगी. एक्सटेंड होने के बाद इसका कोई भी कंटेंट होगा वो हम इसमें ऐड अप करते जाएंगे. सो ब्लॉक कंटेंट कोई भी होगा वो ऐड इसमें करते जाएंगे साथ साथ. सो ये हमारा था वो बेसिक जो अभी हमने इसके स्टार्टिंग में इसको ऐड अप कर दिया है. जब इसमें बाकी सारी चीजें ऐड करनी होंगी, फॉर्म्स और बाकी सारी चीजें, तो इसमें ऐड कर देंगे. तो हम वापस आ जाएंगे इसको बनाने के बाद अपने व्यू में. तो यहाँ पे आके व्यू में आते साथ ही यहाँ पे इसको मैं दे दूंगा अब कि यहाँ पे ये ब्लॉग डॉट HTML अपने आप को शो कर देगा. तो यहाँ पे दे देंगे ब्लॉग / होम डॉट HTML, सिंपल. हमने यहाँ पे वापस इसको रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड करवा दी. अब मेरे पास एक फंक्शन आएगा, मैंने सर्च करना है कि मेरे यहाँ पे कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सा ब्लॉग जो है, किस किस ऑथर का ब्लॉग जो है वो आ चुका है. SEARCH सर्च करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मेरी डायरेक्ट जाके
फॉरवर्ड होगी टेम्पलेट्स TEMPLATES टेम्पलेट्स को विच इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या चीज है वहां पे ब्लॉग स्लैश होम डॉट html और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है कुछ भी तो आई विल गेट द क्यूरी क्यूरी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट वो क्यूरी को रिक्वेस्ट जाएगी रिक्वेस्ट डॉट गेट करो डॉट गेट किसको क्यू को क्यू फॉर द क्यूरी उस क्यूरी को गेट करो जो क्यूरी वहां पे आई है क्यूरी आने के बाद रिजल्ट रिजल्ट को शो करना है क्या पोस्ट डॉट उस पोस्ट में क्या चीज आएगी ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल वो सारे जो चीज फाइंड आउट हुई ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल की बजाय यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर कर देते हैं क्योंकि हम उसको सर्च में कर रहे हैं तो जैसे हम उसको फिल्टरेट कर लिया क्यूरी से और क्यूरी किस की बेस होगी TITL टाइटल अंडरस्कोर ये टाइटल अंडरस्कोर इन कंटेन which is equals to Q-U-E-R-Y, Q-D. और इसी तरह ही फिर हमारे पास Q-D किसके साथ आएगी A-U-T-H-O-R author के साथ author का होगा user name in C-U in contains वो भी हमारे पास क्यूरी में ही फॉरवर्ड हो जाएगा equals to query and last one के हमें क्यूरी कहाँ पे और रिक्वायर्ड होगी सो हमारे क्यूरी जो रिक्वायर्ड होगी क्यू से वो रिक्वायर्ड होगी कॉन्टेंट के ऊपर कॉन TEND content अगर कंटेंट कुछ ऐसा कंटेन है जो कि Q-U-E-R-Y क्यूरी का पार्ट हो सो दिस इज एक्चुअली द सर्च क्यूरी गेट जब सर्च क्यूरी से उसको कोई चीज मिल जाए तो वो क्या करे पेजिनेट अंडरस्कोर by which is equals to 2 paginate kar de us query ko 2 ke sath paginate karna matlab us query ko find out karke pages ki formation mein show kar dena ke ek query per 2 pages ke upar wo query hame show hona shuru ho jayegi agar wo paginate ho gayi to context jo us pe aa raha hota hai which is equals to usko post kar do post kar do in the form of result जो हमने ऊपर result का variable बनाया था वहाँ पे show कर दो और return कर दो उस render request को जो हमने की थी render request req dot templates क्योंकि dot की बजाय ना direct templates को बुला लेते हैं template और साथ आ जाएगा context जो भी वहाँ पे उसको return के में show होना था ये करने के बाद अब हमें सिर्फ क्या चाहिए फाइल चाहिए सो गेट फाइल जो भी आई थी UST रिक्वेस्ट में और रिटर्न कर दो रिटर्न सर्व उसमें रिक्वेस्ट कॉमा साथ फाइल जो उसकी एक्सटेंशन आई या कोई भी फाइल वहां पे हमें शो हुई थी वो फाइल वहां पे शो हो जाएगी अब ये सारा काम जो है ये होम पेज के लिए ही हो रहा है होम पेज के अलावा हम किसी भी पेज के ऊपर अभी नहीं जा रहे क्योंकि हमें जरूरत नहीं है किसी और पेज के ऊपर जाके किसी भी क्यूरी को सर्च करने की या फाइंड आउट करने की
जब तक हम किसी यूजर वाली साइट पे नहीं जाते। अब होम पे हमें क्या चीज शो होनी चाहिए, जो भी हमें अब चीज आ गई है, फाइल वगैरह आ गई है, वो पोस्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे सिंपल सी चीज बनाएंगे दैट इज कि वो पोस्ट हो जाए, क्लास पोस्ट लिस्ट व्यू। और ये कहाँ से आएगी, लिस्ट व्यू से। मॉडल बनाया इज इक्वल्स टू पोस्ट का, पोस्ट का मॉडल है, और यहाँ पे आ जाएगा टेम्पलेट अंडरस्कोर नेम विच इज इक्वल्स टू, कहाँ से आ रहा है टेम्पलेट का नेम, ब्लॉग स्लैश होम डॉट एच टी एम एल। हमारे पास यहाँ से इसका सारा एड्रेस जो है वो आ रहा है कि हमने कहाँ पे इसको स्टार्ट करना था, और कॉन्टेक्स्ट की टाइप आ जाएगी। अगर आप टाइप नहीं देना चाहते, कॉन्टेक्स्ट टाइप ये होती है कि जिसमें आप ये बताओ कि आपका जो डेटा है वो टेक्सचुअल फॉर्म में होगा या किसी भी फॉर्मेशन में हो सकता है, सो यू कैन ईजिली गेट द टाइप। अगर आप कॉन्टेक्स्ट टाइप नहीं देना चाहते तो आप कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेम दे दो, अगर आपको टाइप का नहीं पता। इससे ये होगा कि आपने कोई भी चीज़ उसमें लिखी होगी तो वो पोस्ट हो जाएगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो यहाँ पे हम साथ ही एक पेजिनेट की दे देंगे, या पेजिनेट की देने की बजाय आप यहाँ पे ऑर्डरिंग दे दो कि आपकी जो पोस्ट है वो किस ऑर्डर में शो हो जाए। तो आप उसको डिफाइन कर दो जिस डेट से उसने स्टार्ट किया होगा, डेट अंडरस्कोर USTD posted, जैसे हमने ऊपर दिया था डेट पोस्टेड का, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आप पेजिनेट दे दो, पेजिनेट बाय तो टू दे दो। अब ये जैसे ये फंक्शन सारे ओवरराइड हो गए हैं, सारे के सारे फंक्शन ये ओवरराइडिंग में आ गए हैं। उसकी रीज़न ये कि सारे फंक्शन जो हैं ये इंक्लूड होते हैं आपके उस हर फॉर्मेशन के अंदर। ये करने के बाद हम यहाँ पे ब्लॉग में एक पाइथन फाइल बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं URLs। और इन सारों की URLs को इसके साथ टेस्टिफाई कर देते हैं जो भी हमने क्रिएट किया है। अभी हमने जो चीज क्रिएट किया है वो पोस्ट व्यूअर, सो Django, सॉरी From Django dash URLs import path. So from, अभी हम किस में थे, dot views में, वहां से हम import क्या करने लगे हैं, अभी post list view अभी हमने बनाई है वहां पे, so हम सिर्फ इसको ही import करेंगे, उसके अलावा अभी हमने कोई view नहीं create किया। So, हम पोस्ट लिस्ट व्यू बनाया, हमने वो चीज उठा ली, एंड सो यहाँ पे कॉमा देने की भी जरूरत नहीं है। नाउ फ्रॉम इंपोर्ट व्यूज, सारे व्यूज के अंदर से अब हमें जो चीज चाहिए वो पोस्ट व्यू चाहिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इन URL पैटर्न्स is equals to path comma post list view dot as view वैसे view dot sorry comma name which is equals to, इसमें जाएगा ये blog डैश होम में। सो मेरा व्यू बनाने का असल मकसद अभी सिर्फ इतना था कि मैंने एक पोस्ट व्यू बनाया और पोस्ट व्यू को मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। अच्छा, बिफोर गेटिंग इनटू द पोस्ट व्यू, मुझे मेन फंक्शन जो व्यू के अंदर होगा उसको बंद भी करना है। तो उसको बंद करने का तरीका ये है कि एंड पे आके यहाँ पे आके
बल्कि आप क्लास व्यू बेशक बाद में बंद कर देंगे, इट डजंट मैटर। अब हम आएंगे मेन उसकी यूआरएल के ऊपर, जो हमारी वेब की मेन यूआरएल है, urls.py। उसमें आके इसको ऐड अप करेंगे ब्लॉग को। इसमें आए, इसकी मेन यूआरएल्स में आके अब इसके पाथ को ब्लॉग को ऐड करना है। सो आई एम गोइंग टू राइट पाथ, include इंक्लूड, जो के अभी यहाँ पे एरर दे रहा है, तो यहाँ पे पाथ के बाद में कॉमा डाल के इंक्लूड कर दूंगा। सो मेरे पास ये चीज सही हो गई, इंक्लूड। और यहाँ पे मैं दूंगा blog.urls। अब अभी मेरे पास और कोई blog.url नहीं है, और मैंने उसकी कोई और url अभी क्रिएट भी नहीं किया है, और ना मैंने अभी इस टेम्पलेट के url के अंदर जो home.template है इसके अंदर कोई प्रॉपर डेटा ऐड किया है। तो मैं अगर इसको मेक माइग्रेशन करता हूँ टू चेक, ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं साथ ही इसको माइग्रेट कर दूंगा। ओके, मेरे पास मेक माइग्रेशन माइग्रेट भी हो गया। सो मैं इसको रन सर्वर करता हूँ। तो मेरे पास क्या चीज आती है, दैट टेम्पलेट। क्यों? क्योंकि अभी मैंने उस टेम्पलेट में कुछ नहीं लिखा, उसमें कोई चीज ऐड नहीं की थी। तो जब मेरा उस HTML के ऊपर कोई चीज जाती है, वह एक्चुअली मुझे इस तरह का डेटा ये शो करेगा, क्योंकि इस HTML पे अभी कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे यही बताएगा कि इस HTML पे अभी कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं इस HTML पे कोई जेनेरिक सा कोई टैग ऐड करता हूँ, जैसे W3 स्कूल से मैं कोई भी चीज़ HTML की पिक करके उस पर अगर ऐड कर दूँ, अगर मैं सिर्फ यहाँ से ये चीज ही ऐड कर दूँ उसमें जाके इसके इस HTML के अंदर, इसको कमेंट कर दूँ क्योंकि मुझे तो ये वाली चीज चाहिए, तो मैं इसको कमेंट कर दूँ कि ये HTML में ऐसे कमेंट नहीं होगा। सो मैं अगर यहाँ पे ये चीज ऐड कर दूँ, इसको सेव कर दूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ, तो एट द एंड मुझे ये चीज शो हो जाएगी कि मेरी HTML ये है। अब बेसिक जो फ्रंट एंड HTML का जो क्रिएट करना होता है, दैट मैटर्स कि हम वहाँ पे क्या चीज क्रिएट कर रहे हैं और क्या चीज क्रिएट नहीं कर रहे, क्योंकि हम एक ब्लॉग पेज बना रहे हैं, तो हम जब भी कोई चीज HTML को वहाँ पे राउट करवाएंगे तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है, हम जो उस पर HTML राउट करवा रहे हैं वो क्या करवा रहे हैं, क्योंकि अब ये उसका फ्रंट पेज है जो एडमिन के अलावा यहाँ पे ओपन हुआ करेगा, और वो एडमिन का पेज हमने कंप्लीट ऐड करना है कि यहाँ पे हमें यहाँ से HTML के साथ क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। सो दैट इज आवर वे जिसमें हम अपने HTML को किस तरह इसके साथ कनेक्ट करवा के इस पेज को स्टार्ट करते हैं, मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हैं, दिस इज द मॉडल्स। अब इन सारे मॉडल को जो इसकी पोस्ट वगैरह है उसको हमने HTML पे अब मार्कडाउन करना है। अब उसको मार्कडाउन करने के लिए वी नीड टू राइट कंप्लीट HTML कि हमें यहाँ से क्या चीज रिक्वायर्ड थी, क्यों रिक्वायर्ड थी, उसका फॉर्म कैसा होगा और उसके फॉर्म के अंदर हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हो सकती हैं। अब वो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी या कैसे कैसे वो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, सो दैट मैटर्स इन अ लॉट वेज। तो उसके साथ उसमें उसको ऐड करते जाएंगे और साथ साथ उस पर फिर वर्किंग करते जाएंगे ताकि हम सारी चीज़ें जो है वो इजीली गेट कर सकें।